अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर समूचे देश में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कस्बा मसरेटा व ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम देखने को मिली। जगह जगह पर रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड व रामधुन पर भक्त नाचते गाते रहे। कस्बे में माँ शीतला मंदिर समेत बड़ा हनुमान मंदिर, राम दरबार, शहीद स्मारक, माँ भारसैनी माता मंदिर व कस्बे में सभी छोटे बड़े मंदिरों पर अनुष्ठान भंडारों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ग्राम बीरम स्थित शिव मंदिर पर हवन, भोजन, अखंड पाठ व भंडारे का आयोजन प्रयास फाउंडेशन द्वारा किया गया। वहीं संकट मोचन मंदिर बारी पारा गांव में ग्रामीणों ने 11 सौ दीप जलाकर खुशियां मनाई। कस्बा स्थित शिव मंदिर पर अनिल दीक्षित व प्रेम प्रकाश दीक्षित, अनिल मिश्रा के संयुक्त प्रयासों से भव्य व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं जलालपुर चौराहे पर अंकित सिंह के द्वारा अनवरत भंडारे का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत भदेपर में आशुतोष त्रिपाठी द्वारा रामचरितमानस व भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इसी क्रम में राम मंदिर आंदोलन में जेल जाने वाले कारसेवकों को भी राम भक्तों द्वारा अंग वस्त्र व मालार्पण कर सम्मानित किया गया। मैं अपना मेरा नाम अमन कुमार त्रिपाठी है और मैं किन शब्दों से आज कहूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये राज्य ग्रामीण पर्यटन स्थल है बीरम। 500 वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज हम उत्सव पूरे महोत्सव में बदल रहे हैं। मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है जब 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रभु गए तो वहाँ पर उनकी निषाद राजों से दोस्ती होती है, मतलब हर वर्ग जाति के लोग प्रभु के साथ लग जाते हैं। और आज हमारे गांव में ऐसी कोई जाति बिरादरी नहीं, ऐसे वर्ग के लोग नहीं है जो इस उत्सव को महोत्सव न बना रहे हो। और हम लोग सुबह से कार्यक्रम को आनंदित कर रहे हैं। 11 बजे से विशाल हवन चल रहा है, 1 बजे से भजन चल रहा है, 2 बजे से भंडारा चलेगा और शाम 6 बजे दीप प्रज्वलन होगा, 7 बजे आतिशबाजी होगी। मैं कह नहीं सकता हूँ कि आज प्रभु के इस दिवस को मनाने के लिए हम सब लोग कितना आनंदित है। पूरा गाँव प्रभु श्री राम के जयकारों से गूंज रहा है। सब राममय है, क्या कहेंगे। आज तो सब राममय है, सब कुछ भगवा है दिख रहा है। सामने आप देखिए कितनी भीड़ है, सब कुछ बिल्कुल राम राज हम लोगों को दिख रहा है। इतना आनंद आ रहा है आज पूछिए मत। वैसे भी मेरा गांव छोटे काशी के रूप में मशहूर है, यहाँ पे मंदिर बहुत हैं, सब लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। नई चीज़ है कि सब घर से हम लोगों ने यहाँ की जो है भंडारे में कुछ ना कुछ शामिल हुआ है, उससे हम लोग यहाँ का प्रसाद बनवा करके आज वितरित कर रहे हैं। गांव का प्रत्येक व्यक्ति आज हमारे मंदिर वाले प्रांगण में उपलब्ध मिलेगा, आपको यहाँ पे उपस्थित दिखेगा। बहुत ही हर्ष का माहौल है, कुछ कह नहीं सकते हम, अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते आज हम लोग कितना खुश हैं यहाँ पर कि 500 साल बाद आज रामचंद्र जी अपने घर में फिर से जो है स्थापित होंगे। ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए ये। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज खुशी का माहौल है, बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहे हैं। महसूस ये कर रहे हैं कि लगता है कि 500 वर्षों बाद हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या बात है। ऐसा माहौल, ऐसा उल्लास हमको नहीं लगता है कभी हमने देखा है इस उम्र में। मैं 44 साल का लगभग होने के आया हूँ, ऐसा माहौल अभी तक नहीं दिखा था। और पांच लोग कहते हैं 500 वर्षों बाद ऐसा उल्लास देखने को मिल रहा है। चौपाई के माध्यम से क्या व्यक्त करना चाहेंगे। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब सोका।